चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक लोकप्रिय ऑफिस सुइट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस का सभी कार्य किए जा सकते हैं। हम जानते हैं ऑफिस में कई काम होते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना, सूचित चित्र, कार्य प्रस्तुतिकरण, डाटाबेस प्रबंधन, ईमेल आदि। इन सभी कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से करने के लिए सॉफ्टवेयर का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। इतिहास की देखते हैं इसका। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में प्रथम संस्करण लाया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इसका वर्तमान संस्करण है। प्रमुख सॉफ्टवेयरों की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के प्रमुख सॉफ्टवेयर निम्न है: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट लिंक, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुइट में शामिल एक लोकप्रिय शब्द संसाधक है। यह हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और पेंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। कार्यालय के दस्तावेजों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से सहेज कर रख सकते हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। मूल अंग्रेजी उच्चारण है इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। एक स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैक ओएस एक्स के लिए किया है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मुख्य विशेषता में इसकी गणना है, सुविधाएं, रेखांकन उपकरण, पिवट तालिका और एक मैक्रो प्रोग्रामिंग भाषा VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल है। 1993 में इसके संस्करण 5 के बाद से यह इन प्लेटफॉर्मों पर सबसे व्यापक रूप से उपयोग होने वाला उपलब्ध स्प्रेडशीट अनुप्रयोग है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुइट में शामिल एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसका प्रथम संस्करण 22 मई 1990 को आया। यह विंडोज एवं एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से स्लाइड्स के माध्यम से विषय वस्तु प्रदर्शित की जाती है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ओएस एक्स के लिए किया। यह अनुपयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। इसका उपयोग डेटाबेस बनाने, डेटाबेस को मैनेज करने तथा विश्लेषण करने एवं रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो दोनों रूपों में उपलब्ध है, एक पृथक अनुपयोग के रूप में और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में। वर्तमान संस्करण विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 है और मैक के लिए 2011 है। हालांकि मुख्य रूप से अक्सर एक ईमेल अनुपयोग के रूप में प्रयुक्त, इसमें एक कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट टेकिंग, एक पत्रिका और वेब ब्राउजिंग शामिल है। इसे एक संपूर्ण अनुपयोग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या एक संगठन में बहु उपयोगकर्ताओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर के साथ काम कर सकता है, जैसे कि साझा मेल, वक्से और कैलेंडर, एक्सचेंज पब्लिक फोल्डर, शेयर पॉइंट सूची और तय कार्यक्रमों को पूरा करना। तृतीय पक्ष के कुछ ऐसे एड ऑन अनुपयोग हैं जो आउटलुक को अन्य उपकरणों जैसे ब्लैकबेरी मोबाइल फोन, अन्य सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिस स्काइपी इंटरनेट संचार के साथ एकीकृत करते हैं। डेवलपर्स माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के सिस्टम कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और जो आउटलुक ऑफ
और ऑफिस घटकों के साथ काम करें। इसके अलावा विंडोज मोबाइल उपकरण लगभग सभी आउटलुक डेटा को आउटलुक मोबाइल संग समक्रमिक कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द एक्टिव विंडो डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस जेड एंडो एंड एक्शन, कंट्रोल प्लस वाई रेडो द लास्ट एक्शन ऑफ रिपीट एक्शन इन एक्शन, कंट्रोल प्लस है सेव ए डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट बी डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस के इंसर्ट ए हाइपरलिंक, ए एल टी लेफ्ट एरो गो बैक वन पेज, ए एल टी राइट एरो गो फॉरवर्ड वन पेज, कंट्रोल प्लस सी कॉपी सिलेक्टेड टेस्ट टेस्ट और ग्राफिक्स ऑफ टू ऑफ टू द ऑफिस क्लिक बोर्ड, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द ऑफिस क्लिप बोर्ड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए फॉर्मेट ए लेटर एज कैपिटल्स, कंट्रोल प्लस बी एफलीएज और रिमूव बोर्ड फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस आई अप्लाई और रिमूव इटालियन फॉर्मेट, कंट्रोल प्लस बराबर अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेशन फॉर्मेटिंग, ए एल टी एफ ए क्यू सेव एज, ए एल टी एस टी ई इंसर्ट टेबल कॉन्टेंट। ठीक है, देख लेना। स्क्रीनशॉट लेकर या आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे पीडीएफ, वहां से देख लेना। ठीक।